यार मेरे को भी ओवर स्मार्ट बनना है, मेरे को भी ओवर स्मार्टनेस शो करना है, मैं क्या करूं? अरे इसमें इतना सोचने का क्या, यूट्यूब पे जाने का, सर्च बॉक्स पे लिखने का ओवर स्मार्ट और एंटर दबा देने का। देख आ गया ना ओवर स्मार्ट का चैनल। तो अरे तो क्या, ओवर स्मार्ट के चैनल पे क्लिक करने का, भाई का चैनल है रे। इस चैनल पे देख तुझे हर तरह के वीडियो मिलेंगे रे, टिप्स एंड ट्रिक्स से लेकर टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह। तो आ यहाँ पे वीडियोस देख और तू भी बन गई ना ओवर स्मार्ट। अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, मैं इसे आज जाके लाइक एंड सब्सक्राइब करूंगी। और नहीं तो क्या, मैं देखने वालों से भी कहता हूँ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों वेलकम टू द चैनल ऑफ ओवर स्मार्ट। आज हम फिर से आ गए हैं एक नए प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन को लेके, क्योंकि हम प्रॉब्लम को कभी अकेला नहीं छोड़ते। तो दोस्तों आज का जो हमारा प्रॉब्लम है वो है ब्लॉगर के ऊपर। तो ब्लॉगर क्या होता है एक बार मैं बता दूँ। ब्लॉगर एक गूगल की तरफ से दिया हुआ साइट है जहाँ पर आप अपनी, या कह ले पैनल है जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट को हैंडल कर सकते हैं, जिसकी होस्टिंग ब्लॉगर से ली गई है। ठीक है, तो दोस्तों आज का एक प्रॉब्लम है जो बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर ब्लॉगर पे आपने इससे पहले बताया था कुछ कुछ मेन्यू सब सेट करना, ठीक है वो आपने इनिशिएटिव शुरू कर दिया था कि ब्लॉगर को सेटअप कैसे करते हैं, पर आप हमें बताएं कि अगर हमने एक वेबसाइट ब्लॉगर के थ्रू बना लिया है, अब हम चाहते हैं कि उसका एक जो जितना भी पेजेस हो जैसे हम उसका एक बैकअप ले लें ताकि हम नया कंटेंट अपने वेबसाइट पर डाल सके, पर साथ ही साथ हमारा पुराना कंटेंट का बैकअप हमारे पास रहे, तो ये बैकअप कहाँ से लिया जाता है? तो दोस्तों आज हम बताएंगे कि आपको ब्लॉगर में इस बैकअप का आपको ऑप्शन कहाँ पे मिलता है। तो आप अपने अपने ब्लॉगर के मेन पैनल को खोल लीजिए, जैसे कि मेरे सामने मेरा ब्लॉगर का मेन पैनल खुला हुआ है। अब आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, लेफ्ट पैनल में आप देख सकते हैं, इस जगह पे मैं माउस का कर्सर थोड़ा हिलाता हूँ, ये लेफ्ट पैनल में आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में सेटिंग का ऑप्शन आता है, आपको इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा और स्क्रॉल कर ले, यहाँ पे अदर का ऑप्शन आ रहा होगा, ये देखिए अदर का ऑप्शन है, हाँ अदर को क्लिक कर लेना है। जैसे ही आपने अदर को क्लिक किया आप यहाँ पे देखते हैं इंपोर्टेंट बैकअप का ऑप्शन, यहाँ पे आपको फर्स्ट जो ऑप्शन आता है वो ये है कंटेंट पेजेस पोस्ट एंड कमेंट्स मतलब। और यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, इंपोर्ट कंटेंट और बैकअप कंटेंट, आपको बैकअप कंटेंट पे क्लिक करना है। ये आपका क्या करेगा, जितने भी कंटेंट्स आपके इस ब्लॉगर के आपके ईमेल एड्रेस से, जो लिंक जो आपका वेबसाइट है मेन ब्लॉगर पैनल पे, आपके जितना भी वेबसाइट में कंटेंट है वो आपका इससे XML फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए बोल रहा है सेव टू योर कंप्यूटर, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जितना भी मेरा कंटेंट है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा एज एन XML फाइल, जिसको मैं बाद में भी यूज़ कर सकता हूँ अगर बाद में मुझे फ्यूचर में। देखिए यहाँ पर ये डाउनलोड होना शुरू हो गया, मुझे जैसे कि अभी नहीं चाहिए तो मैं पॉज कर देता हूँ, आपको चाहिए तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा अपने ब्लॉगर में जाके, और इसे आप बाद में फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं, ये XML फाइल में आपका डाउनलोड हो जाता है। तो ये बहुत इजी हो गया, आपका आपको अब नया कंटेंट डालना है तो आपका पुराना कंटेंट भी आपके पास बैकअप है ताकि फ्यूचर में ज़रूरत पड़ा आप इसे यूज़ कर ले, ये डिलीट नहीं होगा। और ये एक ट्रेडिशनल मेथड, जो ट्रेडिशनल मेथड था आपका बैकअप करने के लिए, आपको पूरा आपको पर ब्लॉग में जाके कॉपी पेस्ट करना पड़ता था, आप उससे बच जाते हैं, डायरेक्टली आपका XML फाइल कॉपी हो जाता है, जो बाद में अगर आपको इसी वेबसाइट पर आपको वापस डालना था वही कंटेंट, तो आप जाके उसे HTML के जहाँ पर कंटेंट रहता है डालने का जगह आप वहां पे जाके उसे पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा काम बहुत इजी हो जाता है। तो आज का हमारा यही प्रॉब्लम था, बड़ा प्रॉब्लम कि आप बैकअप कैसे करें, तो ये सेटिंग उसके अंदर अदर और यहाँ पे बैकअप कंटेंट का ऑप्शन मिल जाता है, तो इससे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको बैकअप करने में। तो हमारा ये ब्लॉगर का सफ़र अभी जारी रहेगा, मैं आपको धीरे धीरे आगे ये भी अपना एक वीडियो एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें मैं शुरू से आपको डोमेनर लेना, होस्टिंग लेना ब्लॉगर से फ्री का, और आपको आपका वेबसाइट बनाना, कहाँ से आपको टेम्पलेट लेना है वगैरह वगैरह आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको पता चले कि हमारा नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ हम चलते हैं, ओके थैंक यू दोस्तों।